हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। टॉन्सिल या गिल्टियाँ। टॉन्सिल सूजन या बढ़ने का मुख्य कारण गरिष्ठ पदार्थों जैसे मैदा, चावल, आलू, मिठाइयाँ, उड़द की दाल, चीनी आदि का अधिक सेवन करना है। अधिक खट्टी चीज़ें तथा अम्लीय पदार्थ खाने से भी टॉन्सिल बढ़ जाते हैं। इन चीज़ों में अम्लीयता का अंश अधिक होने से पेट में कब्ज हो जाता है तथा वायु बढ़ जाती है। इससे टॉन्सिल में विषैला विकार उत्पन्न हो जाता है। गले और शरीर में ठंड लगने के कारण भी टॉन्सिल बढ़ जाते हैं। शरीर में खून की अधिकता, मौसम में अचानक परिवर्तन, गर्मी सर्दी का बुखार, दूषित पर्यावरण में निवास तथा बासी भोजन करने के कारण भी टॉन्सिल हो जाता है। इसके इलाज के लिए गर्म पानी में 2 चुटकी सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें, फिर उस पानी से दिन भर में 3-4 बार कुल्ले करें। गर्म पानी में थोड़ी सी चाय पत्ती डालकर छान लें, फिर इस पानी से दिन में 3 बार गरारे करें। इसके अलावा आधा चम्मच तुलसी की मंजरी को शहद में मिलाकर सुबह शाम चाटने से टॉन्सिल सूख जाते हैं। तुलसी के 4-5 पत्ते तथा 2 लौंग पानी में डालकर उबालें, फिर छान कर इस पानी से गरारे करें। सादे पानी में अदरक का रस तथा पीसी हुई हल्दी डालकर रात को सोते समय सेवन करें। टॉन्सिल के बढ़ने पर गर्म खाना, मिर्च मसाले के पदार्थ, तेल, खटाई और अम्लीय पदार्थों का सेवन न करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।